हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस फोटोशॉप के ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे, अगर आप अपनी किसी इमेज को इस तरह का नियोन ग्लो इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो हम किस तरह देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव कर लीजिए, जैसे कि इस इमेज का मैंने पहले से रिमूव करके रखा हुआ है। अब हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल के ड्रॉप डाउन मेन्यू में आएंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे पॉलीगन टूल। पॉलीगन टूल की यहाँ टॉप पे कुछ प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, जैसे कि यहाँ शेप ही रहेगा, फिल को फिलहाल के लिए हम यहाँ से बंद कर देंगे और स्ट्रोक में हम 14 पिक्सल्स रखेंगे और इसको ओके कर देंगे। अब हम यहाँ लास्ट में आएंगे, चूँकि हमें रेक्टेंगल एक ड्रॉ करना है तो उसकी साइड्स तीन होती हैं, तो हम यहाँ तीन रखेंगे और इसको एंटर कर देंगे। अब हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और इसका साइज हम तकरीबन इतना रख लेते हैं फिलहाल, बाद में हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद हम कंट्रोल टी करेंगे और इस पे राइट क्लिक करने के बाद फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। अब हमें इसको थोड़ा सा अपने इमेज के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, यानी थोड़ा सेंट्रलाइज हमें सेंटर में रखना है इसके, तो इसका मैं थोड़ा सा साइज बड़ा भी कर देता हूँ इतना, जो कि हमें थोड़ा बड़ा साइज चाहिए, और यहाँ बिल्कुल सेंटर में लाने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी बना लीजिए। ऊपर वाली कॉपी को फिलहाल के लिए इसका आईबॉल हम बंद कर देते हैं और इस वाली नीचे वाला जो रेक्टेंगल है इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम यूज़ करेंगे लेयर स्टाइल्स और स्ट्रोक। स्ट्रोक में जाने के बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, साइज इसका 14 पिक्सल्स जो कि हमने ड्रॉ करते वक्त वहाँ से ही बना लिया था, यहाँ आउटसाइड होना चाहिए, ब्लेंडिंग मोड नॉर्मल ही रहेगा, ओपेसिटी 100% ही रहेगी। यहाँ फिल टाइप में कलर आ रहा है, चूंकि वो एक कलर यूज़ किया उसने ब्लैक, हमें चूंकि मल्टी कलर में बनाना है तो हम यहाँ से ग्रेडियंट यूज़ करेंगे। अब ग्रेडियंट पे इस पैनल पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ इस ग्रेडियंट एडिटर में आ जाएंगे। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूज़ में है, पर्पल्स में है। अगर आप कस्टम कलर यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइडर पर डबल क्लिक करेंगे तो कोई भी आप अपनी मर्जी का कलर चूज़ कर सकते हैं और ओके कर दीजिए। इसी तरह इस वाले स्लाइडर पे डबल क्लिक कीजिए और कोई भी कलर लेने के बाद ओके कर दें। अब हमें एंगल यहाँ देखना होगा कि हम किस एंगल में अपना रखना चाहते हैं। अगर हम वर्टिकली इसको रखना चाहते हैं तो यहाँ 90 डिग्री कर देंगे, लेकिन हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ चाहिए हॉरिजेंटली, तो यहाँ हम 0 वैल्यू रखेंगे और इसके बाद हम यहाँ इसको यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब हम इसी लेयर पे आने के बाद राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और गशियन ब्लर। गशियन ब्लर आप इसकी वैल्यू तकरीबन रखेंगे 4.8 के आसपास और इसको ओके कर देंगे। अब हम अपने ऊपर वाला जो आईबॉल हमने जिसका बंद किया था, एक रेक्टेंगल था, उसको ऑन कर देंगे और इन दोनों रेक्टेंगल लेयर्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई से मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देने के बाद यहाँ से हम ऐड अ लेयर मास्क करेंगे, इस पर हम एक मास्किंग ऐड करेंगे। क्लिक कर दिया, इस पर मास्क आ गया, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम नीचे वाले इमेज पे क्लिक करेंगे और इस पर भी एक लेयर मास्क ऐड कर देंगे। पहले हम नीचे वाले इमेज की लेयर मास्क पे काम करेंगे। अब हम इस लेयर मास्क के पैनल को सिलेक्ट करेंगे। याद रहिएगा, इमेज नहीं सिलेक्ट होना चाहिए, लेयर मास्क सिलेक्ट होना चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल की ओपेसिटी और फ्लो 100% और इसकी हार्डनेस जो है वो भी 100% होनी चाहिए। साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। फोरग्राउंड कलर आपका ब्लैक होना चाहिए। अब अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ बाहर की तरफ से, जो कि रेक्टेंगल की बाहर है, इसको इस तरह पेंट कर दें। ये मास्क होता जाएगा इस तरह से। यहाँ पे आप ब्रश का साइज थोड़ा छोटा कर सकते हैं और इस तरह सारा मास्किंग हो जाएगी इसकी। इसके बाद ऊपर वाली लेयर पे, जो कि रेक्टेंगल वाली लेयर है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इस बार हम जूम करने के बाद, याद रखिएगा, इसका भी मास्क वाला थंबनेल सिलेक्ट होना चाहिए। अब हम ब्रश टूल लेंगे और इसको जूम करने के बाद हम यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, जो कि इस तरह से होगा।
इसका एक और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। कंट्रोल जी करते हैं हम, इस लेयर की फिलहाल ओपेसिटी कम कर देते हैं, हम 50% ओपेसिटी कर देते हैं। इससे हमें ये पीछे वाला इमेज दिखने लगेगा और हम बहुत आसानी से इसको मास्किंग कर सकते हैं। अब आप फिर से इस वाले पैनल को सिलेक्ट कीजिएगा, आई मीन इस वाले थंबनेल को जो कि मास्किंग वाला है। फिर से ब्रश टूल लेंगे, फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए और आप ये देखें यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से। ये आप जूम करके कीजिएगा, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप जूम इन नहीं करेंगे तो फिर ये आपको मुश्किल लग सकता है। इसी तरह आप ये राइट साइड से भी यहाँ क्लिक करेंगे और इसको यहाँ मास्किंग करते जाएंगे, इस तरह पेंट करते हुए। आप फिर ये देखें यहाँ ब्रश साइज थोड़ा छोटा कर लीजिए और ये देखें, ये देखें, इस तरह आप जूम करके बहुत आसानी से इसको पेंट कर सकते हैं। ये देखें अब हम एक्चुअल साइज पे आ जाते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा ग्लो इफेक्ट मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी एक और काम करना बाकी है। अगर कलरफुल ग्लो इफेक्ट होगा तो वो बॉडी पे भी रिफ्लेक्शन देगा, तो उसको रिफ्लेक्शन को बनाने के लिए अब हम करेंगे, इस लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एक ब्लैंक न्यू लेयर ऐड करेंगे। न्यू लेयर ऐड करने के बाद हम ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल में याद रखिएगा ओपेसिटी और फ्लो 100% होना चाहिए और इसकी हार्डनेस 0 कर दीजिएगा। अब हम यहाँ से फोरग्राउंड कलर यहाँ से पिक करेंगे, चूँकि यहाँ रेड वाला कलर है तो पिक करने के बाद ओके करेंगे। इसके बाद हम थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं और यहाँ से ब्रश टूल से पेंट करेंगे और इसके हाफ एरिया तक पेंट करेंगे, ये देखें। अब राइट साइड पे भी हमें पेंट करना है तो वहाँ पे हमें पेंट चाहिए ब्लू वाला, यहाँ से हम ब्लू कलर पिक करेंगे और इस बार हम यहाँ इस जगह से पेंट करेंगे, ये पेंट इस तरह कर दिया। अब पेंट करने के बाद अब यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, फिल्टर से जाएंगे ब्लर और यहाँ से यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ इसकी वैल्यू हम तकरीबन 35 के आसपास या 40 कर लेते हैं, इसके 40 के आसपास रखेंगे और ओके कर देंगे। अब हमें यहाँ इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना होगा, हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे सॉफ्ट लाइट। अब आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन है, लेकिन ये इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, इसको हम यहाँ से ओपेसिटी इसकी कम करेंगे, ऑलमोस्ट 70 के आसपास रख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा नियॉन ग्लो इफेक्ट मुकम्मल हो चुका है। तो आप इस तरह किसी भी शेप पे अपना ये ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, तरीकाकार उसका यही होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ।